क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर हमारा शो क्राइम थ्रिलर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। सबसे पहले तो आप तमाम दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया जो आप मेरे इस शो को अपना प्यार दे रहे हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको कहानियां सुनाती रहूंगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार। कहां आसान है यारो फौजी होना, दूसरों की सलामती के लिए अपना सब कुछ खोना पड़ता है। हम चैन से सोए इसलिए उन्हें बेचैन होकर सरहदों पर जागना पड़ता है। फौज में नौकरी करने के साथ ही भारत को एशियाई खेलों में भी रिप्रेजेंट किया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक फौजी बागी बन गया? नाम पान सिंह तोमर। ये नाम खासकर भारत के लिए बहुत ही पहचाना नाम है। दिवंगत अभिनेता इरफान खान द्वारा इस पर बनी फिल्म पर अभिनय किया गया है जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। पान सिंह तोमर साल 1932 से लेकर 1 अक्टूबर 1982 तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी दौड़ने की प्रतिभा पर खासा काम किया। वह 1950 और 1960 के दशक में 7 बार के राष्ट्रीय चैंपियन रहे। 1952 के एशियाई खेलों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर एक अच्छा सैनिक, मशहूर एथलीट बागी कैसे बन गया। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको काफी पीछे लिए चलते हैं ताकि आप कहानी को अच्छे से समझ सके। 1 जनवरी 1932 को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के भिदौसा गांव में पान सिंह तोमर का जन्म हुआ। पान सिंह तोमर ने चलने सीखने वाली उम्र में दौड़ना शुरू कर दिया और पान सिंह तोमर का 17 साल में ही फौज की राजपुताना राइफल्स में सिलेक्शन हो गया। साल 1949 से लेकर 1979 तक फौज में नौकरी की। फौज की नौकरी करते हुए 7 बार राष्ट्रीय बाधा दौड़ का चैंपियन बने। एशियन गेम्स टोक्यो, जापान में भारत को रिप्रेजेंट भी किया। मिल्खा सिंह समेत देश के बड़े बड़े लोग उनकी दौड़ की तारीफें किया करते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसी घटना घटी कि उन्हें फौज की नौकरी छोड़कर बिहड़ का रुख करना पड़ा। नौकरी करते हुए पान सिंह का जीवन सही से बीत रहा था। घर में बीवी, 2 बच्चे और माँ थी। इसी बीच गांव में उनकी जमीन को लेकर विवाद होना शुरू हो गया। तब उन्होंने वक्त से पहले ही नौकरी छोड़ गांव में रहकर खेती करने का फैसला किया। दरअसल पान सिंह और उनके चाचा की कुल मिलाकर 2.5 बीघा जमीन थी। 1.25 बीघा पान सिंह की और 1.25 बीघा उनके चाचा की। चाचा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए चाचा ने पूरी 2.5 बीघा जमीन गांव के दबंगों यानी बाबू सिंह और जंडेल सिंह तोमर के पास गिरवी रख दी। कुछ दिनों के बाद बाबू सिंह तोमर ने पूरी जमीन पर कब्जा कर चाचा को खेती करने से मना कर दिया। नौकरी छोड़ पान सिंह तोमर गांव पहुंचे तो उन्होंने पंचायत बुलाई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि पान सिंह और चाचा बाबू सिंह को उसके पैसे चुकाएं और जमीन वापस ले लें। पान सिंह उस पर भी तैयार हो गए, लेकिन बाबू तोमर जमीन वापस करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। पंचायत के फैसले के बाद भी बाबू तोमर जमीन वापस करने को तैयार नहीं था। पान सिंह के बेटे ने इसका विरोध किया तो उन्होंने बेटे की ही जमकर पिटाई कर दी। पान सिंह पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं का मजाक बनाया। पान सिंह ने दरोगा को अपने देश के लिए जीते हुए मेडल तक दिखाए, लेकिन उसने उसकी कोई कदर नहीं की। बाबू तोमर जमीन वापस करने के इरादे में तो बिल्कुल था ही नहीं। उस जमीन पर चाचा ने जो खेती की थी, बाबू ने सारी फसल में आग लगवा दी। पान सिंह ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार बड़े बड़े अफसरों के पास जाते रहे। पान सिंह का बड़े बड़े अफसरों तक जाना बाबू तोमर और जंडेल तोमर को बिल्कुल पसंद नहीं आया और एक दिन उन्होंने पान सिंह को उनके घर जाकर मारने का प्लान बनाया। वो घर की तरफ बढ़े। घर पर बीवी, बच्चे और माँ थी। माँ ने उन लोगों को पहले ही बंदूक के साथ गुस्से में घर की तरफ आते हुए देखा तो बहू और पोतों को घर से भाग जाने के लिए कहा। बाबू तोमर और उसके 8-10 साथी दरवाजा तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गए। वहां देखा तो केवल पान सिंह की बूढ़ी माँ के अलावा घर में कोई नहीं था।
पर वो इतने गुस्से में थे कि पान सिंह के ना मिलने पर उन्होंने बंदूक के बट से उनकी माँ को ही पीट दिया। जब पान सिंह घर वापस आए तो उन्होंने अपनी माँ की हालत देखी, फिर क्या था, पान सिंह के सीने में जैसे आग लग गई हो और अगली सुबह ही उनकी माँ की मौत हो जाती है। तब पान सिंह ने बंदूक उठाई और भाई भतीजे के साथ घर से निकल पड़े। पान सिंह ने अगले दिन का सूरज निकलने से पहले सुबह 4 बजे के करीब बाबू तोमर को उसी के घर में घुसकर गोली मार दी। इसके बाद पान सिंह बाबू के भाई जंडेल सिंह को भी मार दिया। कुछ दिनों में ही बाबू तोमर के रिश्तेदार लायक सिंह और हवलदार सिंह को भी गोली मार देते हैं। इन 4 हत्याओं के बाद अब पुलिस पान सिंह के पीछे पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए पान सिंह अब अपने भाई भतीजों और परिवार के कुछ लोगों के साथ चंबल के बिहार की तरफ भाग जाते हैं। बिहार में पहुंचने के कुछ दिनों बाद पान सिंह ने अपना गैंग बना लिया। गैंग में आधे लोग परिवार के थे और आधे लोग ऐसे थे जो पान सिंह को अपना रोल मॉडल मानने लगे थे, जो समाज और पुलिस के सताए हुए लोग थे। साल भर में उनकी गैंग में 30 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके थे। इसके बाद उसने अपनी गैंग को फौज वाली ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में उसकी गैंग इतनी ताकतवर हो गई थी कि पुलिस भी पान सिंह की गैंग का सामना करने से डरने लगी थी। उनकी गैंग के अन्य डाकू उसे सूबेदार चाचा कहकर बुलाते थे। बिहार में खाने पीने का ठिकाना नहीं रहता था, इसलिए पान सिंह की गैंग बिहार के आसपास के गांव में डेरा डाला करती थी। उसकी गैंग गांव के किसी भी रसूखदार के घर पहुंचती और उन्हें खाना खिलाने को कहती। एक दिन पान सिंह अपनी गैंग के साथ भिंड के एक गांव में गुज्जर के घर पहुंचे, उसे खाना बनाने के लिए कहा। घर के मुखिया ने इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने बिना देरी किए पान सिंह के गैंग पर हमला बोल दिया। हमले में पान सिंह का भाई माता दीन मारा जाता है। पान सिंह और बाकी गैंग वहां से बच निकलती है। कुछ दिनों बाद पान सिंह को पता लगता है कि गुज्जर ने उसकी मुखबिरी की थी। पान सिंह दोबारा उसी गांव पहुंचता है और गुज्जर परिवार के 6 लोगों को एक साथ गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। मारने के बाद अपने लाउडस्पीकर से गांव में ऐलान करता है, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। अगर आपने फिल्म डॉन देखी होगी तो आपको याद दिला दूं, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक डायलॉग बोला था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ उसी अंदाज में पान सिंह तोमर कहते हैं, सरकार और पुलिस को बता देना पान सिंह को पकड़ पाना उनकी औकात से बाहर है। और इस हत्या की घटना से MP सरकार हिल जाती है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। साल 1981, जब पान सिंह ने 6 लोगों को एक साथ मारा था, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। इस घटना से अर्जुन सिंह को बहुत दुख हुआ था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वे इस साल दीपावली नहीं मनाएंगे। और फिर अर्जुन सिंह पान सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म देते हैं। पुलिस पर दबाव बनता है और फिर BSF की 10 टुकड़ियां और STF की 15 टुकड़ियां पान सिंह के पीछे लगा दी जाती है। उस वक्त पान सिंह को तलाशने के लिए अर्जुन सिंह सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। पुलिस को नई तकनीक के हथियार भी दिलाए गए थे। इन्हीं टुकड़ियों में से एक टुकड़ी का नेतृत्व DSP MP सिंह कर रहे थे। इन सभी टीमों का नेतृत्व SSP रमन कर रहे थे। SSP रमन ने गांव-गांव जाकर लोगों से कहा कि पान सिंह की खबर देने वाले को नौकरी दी जाएगी। तब लोग लालच में आ गए और पुलिस को पान सिंह की खबर देने के लिए तैयार हो गए। और 1 अक्टूबर 1981 को इंस्पेक्टर MP सिंह और 500 से ज्यादा सुरक्षा बलों ने डकैत पान सिंह तोमर को चंबल में घेर लिया। दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी हुई। करीब 12 घंटे एनकाउंटर में पान सिंह तोमर और उसके कई साथी मारे गए। पान सिंह तोमर का पूरा परिवार उसके साथ गैंग में शामिल था, लेकिन उसने अपने बेटों को कभी डाकू या यूं कहें कि बागी नहीं बनने दिया। पान सिंह के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा पुलिस की नौकरी करना चाहता था, पर अपने साथ हुए नाइंसाफी की वजह से पान सिंह को पुलिस से बेहद नफरत थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को फौज में जाने के लिए कहा। अपनी पहचान के दम पर उसने अपने बेटे को आर्मी में भेजा। बेटा सूबेदार के पद तक पहुंचकर रिटायर्ड हुआ। झांसी के पास एक गांव में आज भी पान सिंह का परिवार रहता है।
अभी भी उनके परिवार में सिर्फ फौज में नौकरी करने की परंपरा बनी हुई है। यहाँ एक बात तो साबित होती है कि पान सिंह तोमर को पुलिस का साथ मिला होता या यूं कहें कि न्याय मिला होता तो एक वतन परस्त फौजी कभी बागी ना बनता। लेकिन पान सिंह तोमर ने अपने बेटों को फौज में दाखिल कर ये तो साबित कर दिया कि बागी बनने के बाद भी पान सिंह तोमर के दिल से देश प्रेम की भावना कभी धूमिल नहीं हुई। वो कहते हैं ना, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। पान सिंह तोमर ने इस एहसास को जिया भी। पान सिंह की मौत के 29 साल बाद साल 2010 में उनके जीवन पर एक फिल्म बनी। पान सिंह तोमर नाम की ये फिल्म नामी डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट की थी। अभिनेता इरफान खान ने पान सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उसके जीवन से जुड़ी एक एक घटना को बारीकी से दिखाया गया है। पान सिंह बॉलीवुड रूपांतरण में इरफान खान द्वारा चित्रित 1 अक्टूबर 1981 को गिरोह के 10 अन्य सदस्यों के साथ गोली मार दी गई थी। जब वह मारे गए थे तब उनकी उम्र लगभग 48 वर्ष थी। तो इस तरह से एक अच्छा सैनिक, मशहूर एथलीट के अंदर एक बागी का जन्म हुआ और बीहड़ में उसका अंत हो गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पान सिंह का पूरी चंबल घाटी में खौफ था। लोगों के लिए वो घाटी का शेर था। यहाँ तक कि खुद पुलिस वाले भी उनके नाम से कांपते थे। वो जब कंधे पर बंदूक रखकर किसी पर निशाना लगाता था तब उनका निशाना चूकता नहीं था। पान सिंह के बेटे शिवराम ने भी हमेशा कहा कि उनके पिता डकैत नहीं थे, उन्हें इस शब्द के इस्तेमाल से आपत्ति है। शिवराम के अनुसार उनके पिता पेशेवर अपराधी नहीं थे, वो बागी थे। हालात ने उन्हें मजबूर किया, नहीं तो वो बागी बनने पर मजबूर नहीं होते। बीहड़ में तो बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। इरफान की फिल्म पान सिंह तोमर का ये डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जुर्म की दास्तां हो जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9334722857। क्राइम थ्रिलर, अपराधी को करे बेनकाब, जुर्म को ना करे नजरअंदाज। तो आज के शो क्राइम थ्रिलर में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे एक नई जुर्म की दास्तां लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।